हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी वीकली की वीडियो तो अपलोड कर ही दी है, तो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो चैनल पर विजिट करके देख सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में मैं कंटिन्यूसली एक बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये एक ना राइजिंग वेज फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, राइजिंग वेज फॉर्मेशन जो है ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट होता है, जो भी मूव होता है वो बड़ा मूव होता है, राइट? अब मान लीजिए अगर उसने नीचे मूव कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो वो यहां तक चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वो अनलेस अंटिल वो ऊपर ना निकाले उसको। अब जब मेजर रेजिस्टेंस के आसपास चला गया है, और आप सोचिए कि अगर एक स्मार्ट मनी है, या मैं कह रहा हूं कि बिग एफएंडएफ ट्रेडर्स हैं, या बिग ट्रेडर्स हैं, या एफआईआईज हैं जिन्होंने अपना खुद का पैसा लगाया हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक मनी। पब्लिक मनी तो एफआईआई डीआईआईज कभी भी लगाते रहते हैं, वो उनकी पब्लिक मनी आती है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू विदेशों में भी पैसा लगाया जाता है, भारत में भी लगाया जाता है। ठीक है, और वो एसआईपी होती है, वो कंटिन्यूअस आती है, वो एक अलग हो गया। जो मेजर मनी जो लगाई जाती है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर या फिर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, वो यहां पर कौन लगाएगा फ्रेंड्स? कोई भी जो मैनेजर होगा, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, उस वो भी तो नौकरी कर रहा है ना फ्रेंड्स। अगर वो देख रहा है मेजर रेजिस्टेंस पे बाजार है, तो वो यहाँ पैसे नहीं लगाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि बाजार जो है यहाँ पे टाइसी है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग रिस्की है। हमने लास्ट वीक ये डिस्कस भी किया था, और बाजार ने देखे बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन बिल्कुल 650 से नीचे घुमाया। निफ्टी में तो फिर भी ऊपर निकल गया था, बैंक निफ्टी में तो एग्जैक्टली यहीं से मूवमेंट दी है। ठीक है, अभी हम लोग मंथली चार्ट पे ये लेके चलते हैं कि देखिए 44,800 प्रीवियस मंथ का हाई था, और अभी जो लो बनाया है 44,800, 44 बनाया है। तो बाजार अगर 44,800 या फिर ये जो पूरा एक जोन था, ये कहां से शुरू होता है? 44,200 जो ब्रेकआउट मिला था हमारे को, वो कहां से मिला था? 44,150। अगर 44,800 के नीचे टिकते हैं तो फिर 44,150 आएगा, और वो जब टूट जाएगा तो बहुत तेजी से फॉल शुरू हो जाएगा। अब ये होगा नहीं होगा, या हो सकता है कि केवल वीकेंड्स को निकालने के लिए किया गया हो, कि भाई लोगों को लगे कि अब तो जी फॉल ही फॉल आएगा और लोग ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो हम समझते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि बाजार किस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। हमें दोनों साइड की तैयारी करनी है, हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है। तो आप देख लीजिए ये जो रिवर्सल कैंडल वीकली चार्ट पे बनी है, दिस इज अ रिवर्सल कैंडल। लेकिन हाँ, इस तरीके की कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ कि बनती रहती है। ठीक है, ये रेड कैंडल्स, ये ग्रीन ब्लू कैंडल्स सब बनती रहती हैं। अब आप देखिए, ये कैंडल ने जब प्रीवियस वीक के कई प्रीवियस वीक के लोस को तोड़ दिया था ना, एक वीक के लो को ब्रेक करने के बाद कितने सारे प्रीवियस वीक के लोस को उसने ब्रेक कर दिया था। तो प्रीवियस वीक का लो ब्रेक होना ना, वो बड़ा होता है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहां पर भी देखिए आप, हुआ, लेकिन वो कितनी छोटी कैंडल थी। ठीक है, इसलिए रिवर्सल देखिए कितना स्ट्रांग आया है ना। यहाँ पर ये पूरा एक जोन था फ्रेंड्स, 43,400। हम लोग भी यहाँ पे लॉन्ग बैठे थे, और जो लोग चैनल को कंटिन्यूअसली शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बाजार बाय डिप्स ही था, और बाजार को ऊपर ही जाना था, और अब बाजार रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है। ठीक है, तो आप क्या इसे एक रिवर्सल कैंडल मानेंगे? ये रिवर्सल कैंडल तब एक्टिव होगी फ्रेंड्स जब इसके नीचे बाजार चलेगा, क्योंकि ये एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, आप ये देखिए, इस तरीके की सेम कैंडल यहां भी बनी थी, इस ऑलमोस्ट इस तरीके की कैंडल यहां बनी थी, इस तरीके की एक रिवर्सल कैंडल इधर भी बनी थी। तो बैंक निफ्टी जब भी एक रिवर्सल दे रहा है पिछली 3-4 बारी से, वो इसी तरीके की रिवर्सल कैंडल बना रहा है फ्रेंड्स। तो इसके नीचे अगर जाए ना, तो फिर लॉन्ग मत कीजिएगा। 44,800 को बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है उसे समझते हैं, और लेवल्स के ऊपर फोकस करते हैं। 44,800 हो सकता है कि 44,800 से नीचे जाके फिर से ऊपर टांग के क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि फिर वो ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा। तो हमारे को किन लेवल्स का ध्यान रखना है? बाजार क्यों नीचे आ रहे हैं? क्या ये गैप फिल करके वापस से ऊपर निकल जाएंगे? क्या ये सपोर्ट जोन पे आके ऊपर निकलेगा? लेट्स सी। अभी यहां पर जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, लास्ट के 4 दिन की रेंज को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं करा, क्योंकि 44,882 का लो था और 44,925 दिया।
तो ये भी बता रहा है कि जैसे ये नीचे जाएगा ना फ्रेंड्स, ये एक दो तीन चार पांच पांच दिन की रेंज को ब्रेक करके बहुत तेजी से नीचे आएगा, ठीक है? तो फिर ये हमारा टारगेट यहीं कहीं का बन जाएगा। अच्छा, अगर नहीं किया तो ये ऊपर निकलेगा, तो हमें ट्रेड कैसे करना है? बाजार ने पैटर्न क्या बनाया? तो बाजार ये दिखा रहा है अभी साइडवेज है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? ना ऊपर ना नीचे, केवल रेजिस्टेंस जोन पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? अभी ओवरली चार्ट पे समझते हैं नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक? अब देखिए ओवरली चार्ट पे मैंने ना कुछ पहले ड्राइंग्स, एक्चुअली मैं एनालिसिस करता रहता हूँ तो मैं ड्राइंग्स बनाता रहता हूँ, तो आप देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे सब कुछ। और जो लोग चैनल पे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं उनको बोल के चलता ही हूँ कि मैं लेवल्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसके बाद इसे लिखे हुए लेवल्स को ना देखने की बजाय आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बोलता हूँ उसे समझिए, ठीक है? ये जो कैंडल है इसने क्या हाई बनाया? 45,090, ठीक है? 45,090 से ये रिवर्सल मारा है और ये एक जोन था रेजिस्टेंस जोन जो मैंने ये ड्रॉ किया, तो 45,075 से लेके 100 तक का एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ये नहीं कि 100 गया तो जी ऐसे बेहतर तो 10 पॉइंट ऊपर गया और हमारा लॉन्ग एक्टिवेट हो गया, नो। 45,075 से 45,100 उसके ऊपर टिकना नहीं चाहिए, ठीक है? अगर ये होल्ड करता है, ठीक है, तो फिर पहला टारगेट क्या आएगा फ्रेंड्स? अगर ये यहाँ पे गैप अप खुलता है और ये यहां तक जाता है, इसे होल्ड करता है, इसके ऊपर नहीं टिक पाता, तो फिर पहला टारगेट होगा 44,940, दूसरा टारगेट होगा 44,770, तीसरा टारगेट होगा 44,500 से 450, ठीक है? 770 कैसे, मैं ये भी बता के चलता हूँ, केवल लेवल नहीं बोल देता कि क्यों क्यों। देखिए 770 ये रहा गैप जोन, ठीक है? और 44,500 तो मैं आपको हमेशा बोल के चलता हूँ कि राउंड फिगर है तो सपोर्ट जोन का काम करेगी करेगी, ठीक है? और उसके नीचे अगर चलता है 44,450 को ब्रेक अगर कर देता है, यहाँ पे पुट सेलर्स को ट्रैप करके नीचे निकलता है, फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल है 44,335 आ जाएगा, उसके नीचे चलता है तब 44,215 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे इतने सारे लेवल बताते हो, ठीक है, तो ये सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? सेकेंडली मैं सॉरी मैं डेली चार्ट पे आ गया वापस से। सेकेंडली अगर इसके ऊपर निकल गया देन व्हाट? इसके ऊपर निकल गया फ्रेंड्स 45,075 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 45,210 का नेक्स्ट लेवल होगा, और वो जो 210 का लेवल होगा वो ये हो गया फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ, ये यहीं कहीं हो गया, ठीक है? 210 और 240 के ऊपर अगर टिक गया, ये जो 240 है इसके ऊपर अगर टिक गया, इस गैप जोन के ऊपर टिक गया, देन फिर 45,400 के आसपास बाजार आ जाएगा, ठीक है? 45,400 राइट यहां पर बाजार आ जाएगा। अच्छा ये तो ऊपर के लेवल हो गए, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर चला गया या फिर गैप अप दे के ऊपर चला गया, ठीक है, ये तो दो हो गई बातें। अब अगर वो गैप डाउन दे गया और वो सीधा सीधा 44,775 को ब्रेक कर गया, तो फ्रेंड्स ये नहीं सोचना कि गैप फेल हो गया हम यहाँ पे कॉल बाय करें, नो 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 नो, इसने यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेट किया है, ठीक है? ये नीचे आए तो भी हमें शॉर्ट करना है, हमारे नीचे के सारे टारगेट एक्टिव रहेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस आप छोटे टाइम फ्रेम पे रिवाइज कर सकते हो, और मैं जो डेली की एनालिसिस है डेली एनालिसिस वो भी बनाऊंगा, कल पब्लिश करूंगा फ्रेंड्स। आज तो मैं केवल सैटरडे को वीकली एनालिसिस ही पब्लिश कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, हमें आज हम देख लें अच्छे से समझ लें नेक्स्ट वीक का प्लान, फिर मंडे के लिए प्लान के लिए कल हम लोग तसल्ली से बैठ के एनालिसिस करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है? इसके अलावा मैंने कुछ क्रूड का ट्रेड भी डाला था अभी फ्राइडे को, मेरे पर टाइम था तो मैंने क्रूड की भी एनालिसिस करी है। अगर किसी को क्रूड की भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे मेरे पास टाइम शॉर्टेज होती है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी बना पाता हूँ तो, लेकिन अगर क्रूड भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आप कमोडिटी ट्रेडर भी हैं साथ साथ, तो क्रूड की भी बना दो तो मैं क्रूड बना दूंगा फ्रेंड्स। इससे ज्यादा वीडियोस प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन क्रूड की मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीकली बना दूंगा फ्रेंड्स, नॉट डेली, ठीक है? मतलब मैं डेली दो वीडियो से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी भी ट्रेडिंग चलती है, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी फिर क्रूड नेचुरल गैस मैं सब ट्रेड करता हूँ, तो रात को 11:30 बजे तक मैं फ्री होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी सारी वीडियोस बनाना, फिर भी जस्ट टू हेल्प द रिटेल ट्रेडर्स की सब लोग पैसा बनाए, इंडियन इकोनॉमी से पैसा निकल के विदेशियों के हाथ में ना जाए, इसलिए मैं लोगों की हेल्प करने के लिए बनाता हूँ। डू गुड एंड भगवान आपका भी भला करता है, इसलिए मैं बनाता हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक यू,
अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो रेगुलर वॉच करनी है ना, तो आप कम से कम एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपके पैसे नहीं लगते। मुझे पता है किसी की वीडियो को लाइक करना सबसे मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, लेकिन अगर आपको वाकई में अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक द वीडियोस, शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग होंगे जो कि लॉस में बैठे होंगे, अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस से पैसा बनाया जा सकता है, आपका पैसा बनता है, तो कमेंट भी कीजिए कि हाँ आई एम अर्निंग द प्रॉफिट वाइल वॉचिंग योर वीडियोज, मेरे को समझ में आ रहा है, आई एम लर्निंग, और अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए। तो इट विल गिव मी द मोटिवेशन, मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।